हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आपके साइंस का एंड लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। सो पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या है। बेसिकली इसमें बताते हैं कि फूड रिसोर्सेज, फूड स्टोरेज के बारे में हम कैसे सबको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स रीड द चैप्टर। क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में? तो फर्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक आता है वो आता है क्रॉप यील्डिंग का। सो सीरियल्स सच एज वीट, राइस, मेस, मिलेट्स एंड शोरगम प्रोवाइड अस द कार्बोहाइड्रेट फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट, राइट? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। सुना है ना, रोटी खाओ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। सो दैट इज़ वाई कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। पल्सेस लाइक ग्राम, दैट इज चना, पी, मटर, ब्लैक ग्राम उड़द एंड ग्रीन ग्राम मूंग, पिजन पी, अरहर, लेंटिल, मसूर प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन। जितने भी दाल होते हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, एंड ऑयल सीड इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड एंड ठीक है, ये सारे कुछ सीड्स हैं। सनफ्लावर, इनसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो हम इसको एज अ लाइक फैट फैट्स कंज्यूम कर सकते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। वेजिटेबल्स, स्पाइस, फ्रूट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिंस, इनसे हमें विटामिन मिलता है एंड मिनरल्स। विटामिन आर इसेंशियल फॉर आवर स्किन, हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी हाइज के लिए। ओके, इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ओके, सो इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, फूडर क्रॉप्स लाइक बेरसीम, ओट्स एंड सूडन ग्रास आर रेज एज फूड फॉर द लाइफ स्टॉक। तो क्या है क्रॉप यील्डिंग में? ये सारे क्रॉप्स के नाम बताए हैं जो क्या है इम्पॉर्टेंट है। ये किस चीज़ के सोर्स है? हमारे फैट, विटामिन एंड प्रोटीन के सोर्स हैं। तो ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट, क्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं? कारीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप, राइट? सो कारीफ, ये सीजनल होते हैं, ठीक है? सो कारीफ सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। कारीफ का कौन सा सीजन होगा? जून टू अक्टूबर। तो सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, और कुछ विंटर सीजन में ग्रो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं राबी सीजन। ओके, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। एंड राबी किस में होता है? नवंबर टू अप्रैल का सीजन जो टाइम होता है। पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर कारीफ क्रॉप। कारीफ क्रॉप कौन कौन से है? मीन्स समर में कौन कौन से क्रॉप्स हमें मिलते हैं खाने को, वो कौन कौन के से? पैडी है, सोयाबीन है, पिजन पी है, मेज है, कॉटन है, ग्रीन ग्राम है एंड ब्लैक ग्राम है। ओके, कॉटन के भी प्लांट्स होते हैं। आप शायद आपको पता ना हो या फिर पहली बार सुना हो कुछ बच्चों ने, तो कॉटन के भी प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड and linseed are rabi crops and these are your rabi crops. तो यहाँ से आपको कारीफ क्रॉप्स के याद रखने हैं नेम्स एंड रबी क्रॉप्स के नेम याद रखने हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इन इंडिया देर आर बीन फोर टाइम्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम 1952 to 2010, विद ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेबल लैंड एरिया। तो क्या बताया गया है, 1952 से लेकर 2010 तक ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या देखा गया? सिर्फ 25% लैंड एरिया इंक्रीज हुआ है हमारा। ओके, हाउएवर इफ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इवॉल्व इन द फार्मिंग, वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू द थ्री स्टेजेस। अगर हम देखें फार्मिंग प्रैक्टिसेस, किस टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंडिया में करी जाती हैं, तो वो है थ्री वे में। ओके, फर्स्ट है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप की वेराइटी को इम्प्रूव करना।
क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना। अब देखो होता क्या है, लोग क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं और एक जगह पे स्टोर कर जाते हैं, बट वो स्टोरेज में क्या होता है, कई बार रैट्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे और डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स आते हैं जो ख़राब कर जाते हैं, ठीक है। तो वो सब मैनेजमेंट बताया जाता है कि कैसे करना चाहिए। लाइक हमें, लाइक ओल्ड टाइम में लोग क्या करते थे, उनके अंदर माचिस की तिल्ली डाल देते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे से मैथड्स हैं जो उसमें डिस्क्राइब्ड हैं, बताए गए हैं, जो प्रैक्टिसेस किए जाते थे, ठीक है। सो क्रॉप की वैरायटी बढ़ाना, देखो न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात होती है। मार्केट में कुछ सस्ते फ्रूट्स एंड फ्लावर होते हैं, वेजीज होते हैं, एंड कुछ महंगे वाले होते हैं। तो उनमें बस फर्क इतना होता है, जो सस्ते वाले होते हैं उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होता है। अब हमने ये पढ़ा भी था या फिर नहीं भी पढ़ा है तो मैं समझा देती हूँ कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उस प्लांट की कम होती है जो सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा करते हैं, ओके। एंड जो क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं उनमें वैरायटीज बहुत अच्छी खासी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हाई होता है, ओके। सो ये है क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को लेके हाइब्रिड करके न्यू स्पीशीज बनाना, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। लाइक एक नॉर्मल लैंड पे लेट सपोज 5 क्विंटल या 10 क्विंटल जो है वो ग्रो हो रहा है क्रॉप, ठीक है। तो उसमें से कई खराब भी हो जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है, राइट। तो या फिर उन्हें उनका जो लैंड है काफ़ी छोटा है, या फिर वो क्रॉप उतना ग्रो नहीं करा पाते हैं, तो उसके लिए कुछ सीड्स का भी यूज़ करते हैं, दैट इज HYV सीड्स, जो क्या करती है उतने ही सेम लैंड में प्रोडक्टिविटी डबल कर देती है, ओके। एंड क्रॉप प्रोटेक्शन का बता दिया है, क्रॉप वेराइटी इम्पॉर्टेंट में पढ़ लेते हैं। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन द फाइंडिंग अ क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिव अ गुड यील्डिंग, राइट। सो वेराइटीज ऑफ द स्ट्रेन ऑफ द क्रॉप कैन बी सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिसीज रेजिस्टेंट, रिस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड्स, ओके। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये करते क्यों, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव क्यों करना ज़रूरी है, ताकि वो क्या करे, अपने आप को रेजिस्ट करके रखे, कोई भी पैथोजेंस, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस उस पर अटैक ना कर सके, तो उसके लिए रेजिस्टेंट होने के लिए, या कोई इंसेक्ट ख़राब ना कर सके। अनदर थिंग, हाई यील्डिंग हो और टेम्परेचर को भी एडवर्स सिचुएशन में भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, ओके। तो फॉर दैट रीजन वैरायटी का इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। ऑल्सो दिस क्रॉसिंग में भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, यानी दो प्लांट, जस्ट इमेजिन मैंने लिया है रेड रोज एंड मैंने लिया है सनफ्लावर, उसको मिक्स कर दिया है, तो माइट भी कुछ डिफरेंट न्यू स्पीशीज मिलेगी हमें, राइट। तो यहाँ पर उसी प्रोसेस को कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। सो दिस क्रॉसिंग में भी इंटर वेराइटियल, मतलब कि बिटवीन डिफरेंस वेराइटीज, दो डिफरेंट वेराइटीज के बीच में हो सकता है, या टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो सकता है। अच्छा, सुना होगा मार्केट में कुछ न्यू स्पीशीज के फ्रूट्स आते हैं, राइट। तो उनकी जो उनका प्राइस होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है, क्यों? बिकॉज या तो सुना होगा कि आपने बाहर वाले जो स्ट्रॉबेरीज होते हैं वो इंडिया में आते हैं तो काफ़ी महंगे होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज उनका स्पीशीज़ अलग है, वो मिक्स ब्रीड करके बनाया गया है एक न्यू स्पीशीज़, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा आ गई है, हाई है, ठीक है। तो हमारे लिए और ज़्यादा हेल्दी और बेनिफिशियल हो सकता है। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जीन ट्रांसफ़र। हम वैसे डिजायरेबल जीन डाल सकते हैं प्लांट के अंदर, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इनफैक्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी होते हैं,
जैसे प्लांट के अंदर हम डिजायरेबल जीन डाल सकते हैं, वैसे ह्यूमंस के अंदर भी डाल देते हैं, ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स को कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दे आर डिसीज रेजिस्टेंट, लॉन्ग लाइफ जी, मतलब इनका लाइफ स्पैन कैसा होता है, लॉन्ग होता है, डिसीज रेजिस्टेंट होता है। ओके, सो दीज आर द थिंग। इसके बाद है डिसीज़, और बाकी अगर किसी प्लांट को कोई डिसीज़ ना लग जाए या ख़राब ना हो जाए या फिर वो अच्छे से ग्रो करे, इसके लिए फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर। हमें पता है कल्टीवेशन के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे वेदर, सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं आप किसी भी सॉइल में जाकर कोई भी प्लांट जो है ग्रो करा रहे हो या कोई भी क्रॉप जो है ग्रो करा रहे हो, वो नहीं होगा। उसको अपना ही सॉइल चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें ऑलिव ऑयल सॉइल में ग्रो करती हैं, कुछ ब्लैक सॉइल में ग्रो करती हैं। तो डिपेंड्स, ओके, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और वाटर की कितनी अवेलेबिलिटी है। सिंस वाटर कंडीशंस सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन आर अनप्रिडिक्टेबल, वेराइटीज दैट कैन ग्रोन इन द डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल। तो क्या बताया गया, कुछ सिचुएशन में वेदर कंडीशन कैसे होते हैं, फ्लडी सिचुएशन होता है या तो सूखा पड़ जाता है, तो उसमें जो क्रॉप है उसका ग्रो होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कहते क्लाइमेट कंडीशन आर यूजफुल। तो बस यही बताया गया है इसमें। इसमें टॉलरेंट टू द हाई सॉइल सैलिनिटी, कुछ प्लांट्स होते हैं जो टॉलरेट कर लेते हैं सैलिनिटी को, मींस बहुत ज़्यादा सॉल्टीनेस होगा जो। नेक्स्ट, सम ऑफ द फैक्टर्स विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज डन आर हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकर, मीन्स कि उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हमने डिस्कस कर लिया है। कंसिडरेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और उसका जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप कि किस वेरिएशन में क्या कौन से सॉइल में किस तरीके से ग्रो करेगा या कल्टिवेट होगा। बेकिंग क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट इन वीट, वीट के अंदर बेकिंग क्वालिटी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, पल्स के अंदर प्रोटीन क्वालिटी होनी चाहिए। ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड, ऑयल सीड के अंदर ऑयल क्वालिटी होनी चाहिए। एंड प्रिजर्वेटिव क्वालिटी इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, सो दैट हम उसको लंबे टाइम तक फ्रिज में स्टोर कर सकें या फिर हम ऐसे भी स्टोर करें तो वो जल्दी ख़राब ना हो। उसके बाद आता है आपका बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। सो क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक, दैट इज डिसीज, इंसेक्ट, नीमाटोड्स, दीज आर द वर्म्स। ओके, एंड एबायोटिक में है ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर, लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द सिचुएशंस जहाँ पे प्लांट जो है क्रॉपिंग करना चैलेंजिंग हो सकता है या फिर प्लांट जो है वो खराब हो सकता है। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द सोइंग टू द हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज द वेराइटी, एंड सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप इन अ ईयर। तो अब क्या बोल रहे हैं कि मेच्योरिटी जो ड्यूरेशन है क्रॉप का उसको चेंज करना। ठीक है, तो इसमें जो शॉर्टर ड्यूरेशन है क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, जब उसको आपने बोया उसके बाद जब हार्वेस्ट करने का सीजन आया तब तक द मोर इकोनॉमिकल इज द मोर इकोनॉमिकल इज द वेराइटी। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल क्या होता है, वेराइटी। कौन सा वेराइटी है तो वो मार्केट में जो है वो सप्लाई होगा, मतलब कि अच्छी वाली वेराइटी है तो वो ज़्यादा मार्केट में होगी सप्लाई। ठीक है, जैसे मैंगोज की भी वेराइटीज़ होती है।
सो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसिस द कॉस्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. शॉर्ट ड्यूरेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी क्रॉप्स होते हैं, उनका प्राइस भी बहुत कम होता है. एंड यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी. इसके बाद है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, जिसमें क्या होता है, डेवलपिंग द वेराइटीज फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प द स्टेबिलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन. डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशंस में क्रॉप की एबिलिटी ग्रो होने की. डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स मतलब कि अपने मर्जी से कैरेक्टरिस्टिक्स डालना. जैसे आप क्या चाहते हो कि टॉल प्लांट चाहते हो, शॉर्ट प्लांट चाहते हो, या ब्रांच चाहते हो, या बहुत बड़ा चाहते हो, ठीक है, ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड सीरियल्स, तो वो सब आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिजायरेबल जीन में डाल के पता कर सकते हो. इसके बाद है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देखी जाती है, क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है. सो न्यूट्रिएंट्स आर सप्लीमेंट्स टू द प्लांट एंड बाय एयर वाटर एंड सॉइल एंड देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं. सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर, वाटर से मिलता है ये सारे चीज़ें. एंड सॉइल सप्लाइज द अदर 30 न्यूट्रिएंट टू द प्लांट. बाकी के जो 30 न्यूट्रिएंट है वो प्लांट जो है सप्लाई करता है. कुछ होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट. माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, लेस या फिर लेस पर बहुत ज़रूरी होते हैं. मैक्रो यानी कि लार्ज क्वांटिटी में होते हैं. अब ये फार्म वेस्ट का रिसाइकल हम कैसे कर सकते हैं, वो टेक्निक्स बताया गया है. देखो ये कुछ सोर्स है. एयर से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन. वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन. सॉइल से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से आयरन मैग्नीज बोरोन जिंक कॉपर मोनो मोनोबेडियम क्लोरीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट. इसमें क्या होता है, जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको एक बॉक्स में या फिर एक ड्रम में किसी में भी उसको डाल देते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए. अभी वो क्या है, काफ़ी टाइम तक वो क्या होता है डिके होने लगता है. डिके होके उसमें कुछ माइक्रोब्स आते हैं. वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं. कैसे माइक्रोब्स आते हैं, एनाबिना नॉस्टिक. एना बीना एंड नॉस्टिक, ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे. कैसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके. क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन होने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, नाइट्रोजन कंपाउंड जाता है. सो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे काउ डंग भी हो गया आपका, ह्यूमन वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, सब कुछ लेके इराडिकेटेड वीड, सबको लेके पिट में डाल देते हैं. अब अगर उसमें ही वर्म्स को डाल दे, कौन से वर्म, अर्थ वर्म को डाल दे, तो ये बन जाता है वर्मी कंपोस्ट. यानी कि अर्थवर्म पता है ना हमें, फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, राइट. सो दैट इज़ हाउ ऐसे हम करके एक मैन्योर, प्रॉपर मैन्योर रेडी कर लेते हैं फील्ड में डालने के लिए, सो दैट सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. ये है ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर में आपका क्या क्या आ गया, सन हेम्प आ गया, गौर आ गया, ठीक है. सो दीज आर सम प्लांट, बहुत छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्रॉपिंग करने से पहले ग्रो करते हैं.
सो ग्रो करने की वजह से सॉइल को थोड़े टाइम के लिए ग्रो करते हैं, सो दैट सॉइल की फर्टिलिटी जो है बढ़ जाए, और उसके बाद उसको वहाँ से निकाल के फिर क्रॉप को जो है कर दिया जाता है प्लांट। यहाँ पे है, अगर प्लांट की, अगर देखो हमारे अंदर भी डेफिशिएंसी हो जाएगी मिनरल्स की या किसी भी चीज़ की, तो हमारी बॉडी के लिए चैलेंजिंग होगा सर्वाइव करना, राइट। वैसे प्लांट्स के लिए भी अगर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है या फिर उसको नहीं मिलता है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, तो वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। फर्टिलाइजर की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म ऑफ प्रॉपर डोज। देखो ओवरडोज अगर हो गया फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर में, सो क्या होगा, उससे प्लांट खराब होने लगेगा, ठीक है। बिकॉज या फिर जो भी ह्यूमन कंज्यूम करेगा उससे क्या होगा, हमारी बॉडी अफेक्टेड होगी, राइट। जैसे हम सुनते हैं ना मार्केट में, ये फ्लावर पहले ग्रो कर गया, दूसरा बाद में ग्रो कर रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, जिनके वजह से प्लांट की भी हेल्थ ख़राब है, क्रॉप्स की भी हेल्थ ख़राब है, उनका फ्रूट्स फ्लावर जो भी है सब हेल्दी नहीं होता है, और हमारा भी हेल्थ ख़राब होगा। सेम चीज़ है पूरे लाइन में। मैन्योर कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल स्क्रीटा, प्लांट एक्सक्रीटा। मैन्योर हेल्प इन द एनरिचिंग सॉइल विद द न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो सारी चीज़ें हैं, सब एक ही चीज़, सारी चीज़ें एक ही बात बताना चाहती हैं। तो बात करते हैं वाटर सोर्स की। सो इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाईली वेरिड क्लाइमेट, ओके। सो अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर अडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर एग्रीकल्चर लैंड, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। जैसे गाँव में कुआँ होता है, राइट, वेल्स होते हैं, तो उनसे निकाल कर और इरिगेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ लोग केनाल बना लेते हैं, लाइक ठीक है, नहर होती है बहुत छोटी 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 होती है खेत के जस्ट साइड में, तो वहाँ पे वहाँ से वो क्या करते हैं, कुछ पाइप्स निकाल कर और अंदर इरिगेशन के लिए डाल देते हैं। कुछ इरिगेशन प्लग आता है वो बीच में लगा के, और उससे भी इरिगेशन होता है। इसके वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, सॉरी। और कुछ क्या होता है, केनाल्स। और पहले जो राजस्थान साइड में जो लोग थे वो क्या फॉलो करते थे, रूफटॉप सिस्टम, सो दैट जो भी रेन वाटर आता था उसको हार्वेस्ट करके एज अ इरिगेशन पर्पस यूज़ करते थे, राइट। उसके बाद है रिवर लिफ्टिंग सिस्टम। सो रिवर को लिफ्ट करके जो फार्मिंग लैंड है वहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया जाता है, वो पानी अपने आप आता है। पर इसके एक डिसएडवांटेजेस भी है, कभी कभी क्रॉप डूब जाता है पूरा, तो वो ख़राब हो जाता है बिकॉज उसमें ज़्यादा पानी आ जाता है ओवर इरिगेशन की वजह से। उसके बाद है टैंक्स। टैंक स्मॉल स्टोरेज या रिजर्वर होते हैं, जिनमें से जब मर्जी तब उन्हें पानी ज़रूरत है वो निकाल के फार्मर्स और फील्ड में डाल देते हैं। सो दीज आर द इरिगेशन। क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली। देखो मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, एक लाइन होगी आपकी वीट की, दूसरी लाइन होगा आपका बाजरा का, थर्ड लाइन में कोई और क्रॉप है, ठीक है, उसके बाद कोई और है, केस्टर है या मस्टर्ड है, कुछ भी उन्होंने लगा दिया। तो इस तरीके से मिक्स क्रॉपिंग होती है। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम क्या है, इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। अ फ्यू रो वन क्रॉप अल्टरनेट विद द रो ऑफ द अनदर सेकेंड ऑफ द एग्जाम्पल, सोयाबीन प्लस मेज और फिंगर प्लस मिलेट। तो कैसे होता है, एक में सोयाबीन है एक में मिलेट है, सोयाबीन मिलेट सोयाबीन मिलेट सोयाबीन मिलेट, तो ये हो गया इंटरक्रॉपिंग, ओके। तो इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बची हुई रहती है, और एक टाइम पे हमें
वेराइटीज़ मिल जाती हैं दो टाइप की, राइट? देखो जैसे ये दो रोज़ हैं, रिजर्व्ड हैं, राइट? अब इन दो में अलग हैं, इन दो में वापस से कैबेज है, तो यही है इंटरक्रॉपिंग। अब देखो कई बार है ना, क्रॉप को ग्रो करते टाइम कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल है जेंथियम, ठीक है? एग्जांपल है जेंथियम, कोखरू, पार्थेनियम, गजर घास, साइपेरियम, रोटेंडस, मोथा। तो ये सारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी खराब कर देते हैं। तो इनको क्या है, हाथों से रिमूव कर दिया जाता है या प्लग कर दिया जाता है, तो क्या हो, हमारा जो क्रॉप है वो खराब ना हो। वी टेक अप द न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज ये सारा न्यूट्रिएंट्स लेकर और क्रॉप की ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। अब इंसेक्ट पेस्ट अटैक भी होता है प्लांट्स पे थ्री वेज में। दे कट द रूट, या तो रूट स्टेम या लीफ काट देते हैं जिससे खराब हो जाता है ग्रोथ। दे सक द सेल सैप, या तो सेल सैप जो होगा, सेल सैप क्या था, सेल के अंदर जो वैक्यूल्स था उसके अंदर, सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट था, प्रिजर्वेटिव फूड मटेरियल, वो था सेल सैप, उसको सक कर लेते हैं सो दैट प्लांट की ग्रोथ खराब हो जाती है। दे बोर इन टू द स्टेम एंड फ्रूट, स्टेम या फ्रूट के अंदर बोर कर देते हैं सो दैट खराब हो जाता है, ठीक है? इसके बाद है डिसीज इन द प्लांट्स आर कॉज इन द पैथोजन। डिसीजेस कैसे कॉज होते हैं, पैथोजन्स। पैथोजन्स क्या होते हैं, पैथोजन्स जो बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ये सारे प्लाज्मोडियम, ये सारे पैथोजन्स होते हैं, फंजाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो उनसे हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, और वीड से बचने के लिए वीडिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं। अब ये है हमारा एक टेबल जिसमें मिल्क है, काउ मिल्क, फैट है 3.60, प्रोटीन इतना, शुगर इतना, मिनरल्स इतना, वाटर इतना, वाइटमिन्स कौन कौन से, B1, B2, B12, D और E। सो दीज आर द थिंग्स। फिश के अंदर कितना है, फिश के अंदर कौन से वाइटमिन्स हैं, नियासिन, डी और ए। मीट के अंदर क्या होता है, B2, B12। एग के अंदर क्या होता है, B2 और D। स्टोरेज ऑफ ग्रेन की बात कर लेते हैं, स्टोरेज कैसे कैसे करते हैं। सो आर बायोटिक एंड ए बायोटिक। तो बायोटिक में क्या है, रोडेंट है, फंजा है, माइट्स हैं, ये सब खराब कर देते हैं क्रॉप्स को, ठीक है, जब स्टोर करके रखते हैं। एंड ए बायोटिक में कैसे, इनअप्रोप्रिएट मिक्सचर हो गया, उसकी वजह से भी खराब होने लगते हैं, या क्वालिटी खराब होने लगती है, ठीक है, या फिर उसको सही जगह पे स्टोर नहीं किया है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर आर यूज बिफोर ग्रेन स्टोरेज। तो ग्रेन स्टोरेज करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि वो सही से, सही जगह, साफ जगह, और क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं इंसेक्ट से या फिर जो भी बायोटिक फैक्टर्स हैं उनसे बचाने के लिए। उसको अच्छे से साफ करके और उसको ड्राई करके फिर हम स्टोर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कैटल एनिमल्स के बारे में। कैटल फार्मिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कैटल फार्मिंग क्या है, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पस, दो पर्पस के लिए किया जाता है, क्या, मिल्क एंड रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। तो कैटल फार्मिंग में क्या है, जो एनिमल्स हैं उनको इसलिए पेट बनाकर रखते हैं सो दैट उनसे मिल्क मिल सके और वो उनकी क्रॉपिंग करने में भी हेल्प कर सके, एग्रीकल्चर में भी हेल्प कर सके, ठीक है? सो कुछ
स्पीशीज बताया गया है यहाँ पे, बॉस इंडिकस, काउस, बॉस बुल्बियस, बुफेलोस, बुल बुफेलोस काउ, इन सब के बारे में है। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल होती हैं उन्हें बोलते हैं मिल्च एनिमल, डेरी एनिमल्स। वेल द वन यूज फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड द ड्रॉट एनिमल्स, और जो फार्म लेबर्स के लिए यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स लाइक बुल। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड, और मिल्क का सिक्रेशन या प्रोडक्शन होता है एनिमल्स के अंदर वो होता है लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे, जिसमें क्या होता है लैक्टिफेरी ग्लैंड होता है, जो क्या करता है मेमरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज करवाता है, मेमरी ग्लैंड से। अब बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। सो एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं इसमें, कैसे मतलब रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, मेडिकली देखना, चेकअप करना, सब कुछ। ठीक है, सो उसका ब्रीडिंग करना, फीडिंग, ब्रीडिंग मीन्स कि नई नई वेराइटीज़ बनाना। ठीक है, डिसीज़ कंट्रोल देखना, तो इन एस्पेक्ट्स में उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है। इसके एग्जाम्पल है गोट हो गया, शिप हो गया, पॉलिट्री एंड फिश फार्मिंग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। पॉलिट्री से क्या होगा, हमें लाइक एग मिल सकता है एंड मीट मिल सकता है, राइट। फिश को लोग कंज्यूम कर सकते हैं और उनसे मेडिसिन्स भी बनता है, सेम ये सारी चीज़ें हैं। बाकी द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स की होती है डेयरी मैनेजमेंट। मेंटेनेंस द रिक्वायरमेंट विच इज़ कॉल्ड फूड रिक्वायर्ड, फूड रिक्वायरमेंट एंड सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ, सो दैट वो जो एनिमल है अच्छे से हेल्दी लाइफ जी सके। एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड पे कैसा फूड देना चाहिए मिल्क एनिमल्स को, वो सारी चीज़ें बताया है। एनिमल फीड इंक्लूड रफेज, क्या क्या चीज़ें खिला सकते हैं, रफेज विच इज़ लार्जली फाइबर, जिनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, कॉन्सेंट्रेट्स विच इज़ लो इन द फाइबर, जो लो होता है फाइबर में, एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन, और उनमें प्रोटीन जो है हाई लेवल होता है, और सम अदर न्यूट्रिएंट्स। कैटल नीड बैलेंस रेशन कंसेंट्रेशन ऑल न्यूट्रिएंट एंड प्रोपोनेट अमाउंट, तो उनको हर चीज़ एकदम बैलेंस्ड और प्रॉपर अमाउंट में देना होता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ऑल्सो कैटल एनिमल्स समटाइम्स कैन सफर फ्रॉम सम डिसीजेस, अगर उनका अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप ना करवाया गया, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो उनका मेडिकल कंट्रोल भी रखना बहुत ज़रूरी है। इनमें पैरासाइट्स भी लग जाते हैं, तो हाइजीनिक कंडीशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको डेली नहलाना, साफ़ करना, ऑयल जो भी उनका होता है वो सारी चीज़ें, टाइम पे वैक्सीनेट करवाना, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद है आपका पॉलिटरी फार्म। पॉलिटरी फार्म में क्या करते हैं, हैन, तो इनमें हम जो है हैन वगैरह को रखते हैं, चिकन्स को रखते हैं, सो दैट उनसे हमें मीट मिल सके, एग मिल सके। ओके, द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन द इंडियन एंड फॉरेन ब्रीड ऑफ द वेराइटी इम्प्रूव द फोकस ऑन द डेवलप ऑफ द वेराइटीज ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड। अभी यहाँ पे क्या बताया गया, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बताया गया है। सो इंडियन क्या है, हमारा एग्जाम्पल है असील, और ये हमारा ट्रेड है, ठीक है, स्पीशीज है कॉक का। एंड दूसरा क्या था, लेगहॉर्न, तो
तो इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू एग्जॉटिक स्पीशीज आती है जो लाइक डिफरेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें हैं. नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ चिक्स बढ़ जाती हैं, उनका टेस्ट अलग हो जाता है, एंड एक का और लाइक ड्वार्फ ब्रॉयलर्स पेरेंट फ्रॉम द कमर्शियल चिक प्रोडक्शन. पॉलिट्री से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. ओके, आई होप कि आपको लाइंस क्लियर हुआ होगा. पॉलिट्री से पहले वाली चीज़ें क्लियर हुई होंगी, पॉलिट्री के बाद वाली चीज़ें जो है या पॉलिट्री से जो भी चीज़ें हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई मीन थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप समझ आया होगा.